हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और उम्मीद करता हूँ कि आप सब एकदम अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी मस्त हूँ गाइस, स्वस्थ हूँ और एकदम बिंदास हूँ। तो गाइस, आज संडे है तो आज मुझे थोड़ी सी टाइम मिली है, फ्री टाइम, तो मैं ये ब्लॉग शूट कर रहा हूँ। और आज का ब्लॉग बहुत ही खास होने वाला है दोस्तों, क्योंकि मैं आज आप लोगों को एक बहुत ही खूबसूरत जगह पर लेने वाला हूँ। इसलिए वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा, स्किप कहीं मत कीजिएगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो गाइस, कहा जाता है कि दार्जिलिंग एक बहुत ही खूबसूरत जगह है। मैं कभी गया तो नहीं हूँ, लेकिन चलिए मैं आप लोगों को वहाँ ले चलता हूँ और वहाँ के कुछ खास खास जगहों को आप लोगों को दिखाता हूँ। तो चलिए सीधे मिलते हैं दार्जिलिंग में। तो गाइस, सामने जैसे कि आप लोग माउंटेन के ऊपर वाइट बादल देख सकते हैं, उसके ऊपर में आप लोग देख रहे हैं गोल्डन कलर। इसके बारे में आप लोगों को समझ नहीं आया होगा, तो चलिए आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूं मैं। जो सबसे ऊपर में दिखाई दे रहा है गोल्डन कलर, अभी दार्जिलिंग में दोस्तों सनराइज हो रहा है, जिसकी वजह से गोल्डन कलर आप लोगों को दिखाई दे रहा है और काफ़ी खूबसूरत व्यू है यहाँ का। और उसके नीचे आप लोग देख सकते हैं कि वाइट कलर का बादल की तरह दिखाई दे रहा है। ये बहुत ही फेमस पर्वत है जिसे कंचनजंगा के नाम से जाना जाता है। अभी पूरा बर्फ भरा हुआ है इसलिए वाइट नज़र आ रहा है दोस्तों। और यहाँ लाखों लोग सनराइज़ का नज़ारा देखने के लिए आते हैं दोस्तों, बहुत दूर दूर से। और बहुत ही खूबसूरत जगह है गाइस, रियली अमेजिंग। अगर अपनी आँखों से देखें तो उसका मज़ा ही कुछ अलग है, देख करके महसूस करें। तो अभी तो हम लोग वीडियो में देख रहे हैं इसलिए उतना खास नहीं लग रहा है, लेकिन सच में बहुत ही अमेजिंग है गाइस। देखिए, ये है वाइट वाइट कलर का दिखाई दे रहा है, ये कंचनजंगा पहाड़, जिसके बारे में हम लोग पढ़ाई कर चुके हैं बचपन में। और सभी लोगों का भी कैमरा ऑन है दोस्तों, देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत व्यू है गाइस सनराइज़ के, यहाँ देख सकते हैं। सच में यार, दार्जिलिंग हमारे भारत का एक बहुत ही खूबसूरत प्लेस है और यहाँ जाने से आने का मन तो नहीं ही करेगा। मैं कभी गया तो नहीं हूँ, लेकिन किसी के द्वारा मुझे वीडियो मिला था तो मैं उसे आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ। और दोस्तों, मैं आप लोगों को भी रिकमेंड करना चाहूँगा कि आप भी दार्जिलिंग जाएँ और वहाँ की खूबसूरती को एकदम अपने आँखों से देख कर दिल से महसूस कीजिए। वीडियो में देखने से तो लगता है जैसे हम स्वर्ग में आ गए हैं, लेकिन हकीकत में जाएंगे तो पता नहीं क्या फीलिंग आएगी यार। तो चलिए दिखाता हूँ। और गाइस, ये भी एक बहुत ही खूबसूरत जगह है, ये है दार्जिलिंग का रॉक गार्डन। बहुत खूबसूरत झरना यहाँ बह रही है, देख सकते हैं आप। और इधर आगे आगे लड़कियाँ चल रही हैं, देख सकते हैं गाइस, बहुत ही प्यारा लोकेशन है। तो चलिए दोस्तों, अब शेयर कराता हूँ आप लोगों को चाय बागान। दार्जिलिंग चाय के लिए भी बहुत फेमस है दोस्तों, दार्जिलिंग में चाय की खेती बहुत होती है और यहाँ चाय हर एक प्रकार की मिलती है, सस्ते से सस्ते भी मिलती है और महंगे से महंगे भी। यहाँ देख सकते हैं ये जो ग्रीनरी दिख रही है, ये चाय की खेती है गाइस, और बहुत ही प्यारा लग रहा है अभी। वाओ, वंडरफुल, अमेजिंग गाइस। अगर आपको भी कभी मौका मिले तो मौका को छोड़िएगा मत। हम लोग चाय तो पीते हैं, लेकिन चाय उत्पाद कैसे किया जाता है उसे हमें पता नहीं है, मुझे तो खुद पता नहीं है, मैं तो खुद देखा ही नहीं हूँ आज तक चाय बागान, लेकिन अभी वीडियो में देख रहा हूँ और आप लोगों को दिखा भी रहा हूँ। तो चलिए आगे दिखाता हूँ आप लोगों को अच्छी तरह से चाय बागान। गाइस, इधर देख सकते हैं आप लोग चाय का बागान, काफ़ी लोग इधर घूमने के लिए आए हुए हैं। और ये खेती है दोस्तों चाय की, जो कि अभी एकदम माउंटेन की तरह दिखाई दे रही है, बहुत ही प्यारा है गाइस। लोग आके फोटो वोटो क्लिक कर रहे हैं
और इधर माउंटेन का व्यू तो देखिए गाइस, बहुत ही लाजवाब है। इधर कुछ लड़कियां सेल्फी ले रही है, तो सच में देखने से बहुत ही खूबसूरत है, घूमने में भी बहुत मजा आता होगा। मैं तो गया नहीं हूँ, जाऊंगा तो जरूर मैं भी फील करूंगा, महसूस करूंगा वहाँ की खूबसूरती को अपनी आंखों से देखकर। कभी जाऊंगा तो अपनी आंखों से रियलिटी देख के आऊँ। मुझे तो कम ही वीडियो मिला था, इसलिए कम ही वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, और होप कि आप सबको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आती तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल में नहीं हो तो चैनल को तो छोड़िएगा मत, सब्सक्राइब के बिना सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। तो गाइस, यू ऑल्सो मस्ट विजिट दिस प्लेस वंस इन योर लाइफ। तो आज का ब्लॉग यही एंड करते हैं और मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल गाइस।